हाय गाइस, स्वागत है एक और नए वीडियो पे। और आज जो है हम लोग एक बहुत ही मजेदार प्रोजेक्ट के साथ आए हैं जिसका नाम है इंफ्रारेड टेम्परेचर गन। जिनको नहीं पता इंफ्रारेड टेम्परेचर गन क्या है, तो बेसिकली अगर आप मॉल ये सब जा रहे होंगे तो तब आपको दिखा होगा एंट्री पॉइंट के वक्त कि एक आदमी आपको दिखा होगा पीपी किट के साथ, हाथ में कुछ गन जैसा पकड़ा हुआ जो कि आपके ऊपर सर पे मारता है और कुछ लेजर लाइट जैसा निकलता है और वो बता देता है कि आप कोरोना नेगेटिव है या कोरोना पॉजिटिव। तो बेसिकली पहले मैं बता देता हूँ, वो 100% ही नहीं बता देता है, वो एक पहला स्टेप है। बेसिकली वो बस एक टेम्परेचर बताता है, इंफ्रारेड उसका सेंसर का नाम रहता है, इंफ्रारेड टेम्परेचर सेंसर, जो कि उसको अगर आप आर्डियोनो के लिए मंगवाओगे तो आपको सर्च करना होगा GY906 और MLX90614 इंफ्रारेड टेम्परेचर सेंसर। तो वो क्या करता है ना, आपका बॉडी में एक टेम्परेचर क्या है वो बता देता है। वो उसके अंदर एक स्क्रीन लगा हुआ रहता है जो कि बता देता है क्या रीडिंग है टेम्परेचर का। तो उसमें वैसा कुछ खास नहीं है कि बताता है कोरोना पॉजिटिव है, आपका डीएनए वीएनए में वहाँ पे चेक उक नहीं करता है, वो अंदर जाके वैसा कोई रेज उस भेजता है, बस वो जनरली आपका टेम्परेचर बताता है। क्योंकि कोरोना पेशेंट्स में देखा गया कि टेम्परेचर जो है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से अलग ही रहता है, मतलब हायर ही रहता है। तो इसीलिए आज हम लोग इंफ्रारेड टेम्परेचर गन बनाने वाले हैं ताकि आप अपने घर में, पड़ोसी में और इनफैक्ट कहीं पे भी चेक कर सकते हो। तो चलो फिर बनाना शुरू करते हैं। सो यप, जो जो थिंग्स रिक्वायर्ड है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए वो है 16x2 का LCD डिस्प्ले, फिर जिस सेंसर की मैं बात कर रहा था MLX90614 नॉन कॉन्टैक्ट इंफ्रारेड टेम्परेचर सेंसर, आर्डियोनो मेगा, क्योंकि ऊनो, अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा क्योंकि मेरा ऊनो जो है वो उसका आईसी जो है ख़राब हो गया था, जिसके चक्कर में जो है मुझे मेगा ही फिर से यूज़ करना होगा। और इनफैक्ट मेगा बेस्ट भी है क्योंकि इसमें पिन्स बहुत ज़्यादा है पावर सप्लाई के लिए, 5 वोल्ट हो गया और GND। यहाँ पे जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे यहाँ देख सकते हो यहाँ 2 GND पिन्स है, यहाँ पे भी इनफैक्ट 2 GND, 4 और 13 पिन के आगे 5 GND पिन है और 5 वोल्ट पिन इसमें, एक सेकेंड, यहाँ पे 2 और एक यहाँ 3 और बाकी VIN एंड 3.3 वोल्ट का पिन है। तो इसीलिए मुझे अपना मेगा बोर्ड इसीलिए पसंद है। तो और एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपको बॉक्स में सेटअप करना है इस पूरे सिस्टम को तब आपको मेल टू फीमेल वायर यूज़ करना होगा। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ मेल टू फीमेल वायर किसको कहते हैं। तो यह ये रहा मेल टू फीमेल वायर्स, इसमें एक डंडा आता है, इसमें ये डंडा नहीं रहता। और अगर आपको ब्रेडबोर्ड पे सेटअप करना है तो आपको मेल टू मेल वायर यूज़ करना होगा जिसमें दोनों साइड डंडा जैसा होता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहाँ से खरीद सकते हो। तो यप, अब कनेक्शन करते हैं और इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। तो यप, सब चीज़ सेटअप हो चुका है, बस एक बार मैं कोड दिखा देना चाहता हूँ आपको कि कैसा है उसका प्रोग्रामिंग, एक बार समझा देना चाहता हूँ कैसे वर्क करेगा, मतलब एक एक कोड का मतलब क्या है। तब हम लोग स्विच हो जाते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। सो यप, यही हम लोग का कोडिंग। तो सबसे पहले आपको जो है wire.h लाइब्रेरी को इंक्लूड करना है, फिर LCD का लाइब्रेरी इंक्लूड करना है, फिर आपको ये Adafruit MLX90614 को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर देना है। बहुत ही आसान है, आपको बस आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो और इनफैक्ट आर्डियोनो के इसमें भी मिल जाता है। अगर आप टूल्स में जाते हो और वहाँ से टूल्स में जाते हो और मैनेज लाइब्रेरीज में क्लिक करते हो तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर उसका शॉर्टकट भी है Ctrl+Shift+i, आप वहाँ से भी कर सकते हो। तो फिर मैंने यहाँ लिक्विड क्रिस्टल का एक वेरिएबल बना दिया LCD, जिसमें 12th है, RS पिन 11, रजिस्टर सेलेक्ट और 5432 वो है डेटा पिन। फिर यहाँ मैंने Adafruit का भी वैसे ही सेम कर लिया। फिर मैंने वॉइड सेटअप पे अपना सीरियल मॉनिटर को सेट कर लिया 9600 ब्रॉड पे। फिर आपको LCD.begin करना है, जिसमें आप सब सेट करोगे कि कितने बाय कितने का आपका LCD है, जैसे मैंने 16x2 का इसीलिए 16.2 मैंने रखा है। फिर MLX.begin कर लेना ताकि वो चेक करे डीले हर 2 सेकंड पे। आप ये डाल भी सकते हो, लेकिन अगर आपको स्क्रीन पे चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ रख भी सकते हो, नहीं तो आप सिंपली रिमूव भी कर सकते हो।
और यहाँ पे फिर मैंने void loop पे मैं बता देता हूँ जो कि loop में चला पहले lcd पे जो भी डेटा है वो क्लियर कर देगा, फिर उसके बाद lcd.set का सर आपको कर लेना है कि कहाँ से वो लिखाएगा। तो मैंने 0, 0 कर लिया यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फिर मैंने lcd पे पहले प्रिंट किया टेम्परेचर, फिर मैंने स्पेस दे दिया जहाँ पे लिखाएगा, तो फिर मैंने लिखा lcd.print ताकि उसके बगल में लिखा है वो और जितना भी रीडिंग है वो फारेनहाइट में होगा और डिले हर 500 सेकंड पे। तो बस यही है सिंपल सा। अब हम लोग जो है अपना टेस्ट करते हैं बॉडी टेम्परेचर। सो यप, अब हम लोग स्विच हो जाते अपने नॉर्मल स्क्रीन पे। सो यप, घड़ी आ चुकी है टेस्टिंग की। तो ये रहा हमारा इंफ्रारेड टेम्परेचर गन और इसके पीछे मेरा मिरर लगा हुआ है जिसमें मैं चेक कर सकता हूँ कि क्या टेम्परेचर रीडिंग है। तो यप, अब ऑन करते हैं इसको। एक मिनट, अंदर पावर बैंक लगाया हुआ है, ऑन हो गया। एक मिनट इसको थोड़ा सपोर्ट दे देता हूँ। हाँ, आई होप नेगेटिव ही आएगा। ओके, तो एक मिनट, अच्छा बाल आ रहा था। यप ओके, कितना दिखा रहा है? ओके ओके, 98.7 का रीडिंग आ रहा है। तो मैं पहले बता देता हूँ ये 98.7 डिग्री सी नहीं है, ये एफ है, क्योंकि बहुत लोग मतलब समझ सकते, बहुत लोग महान अनुभवी लोग होते हैं जो लिख देते कमेंट में भाई 98.7 डिग्री सी। तो मैं पहले ही बता देता हूँ ये जितना भी रीडिंग है वो फारेनहाइट में हुआ है, ना कि डिग्री सेल्सियस में। और मैंने दोनों का लिंक दे दिया, अगर आपको डिग्री फारेनहाइट में चाहिए कोड तो वो डिग्री फारेनहाइट का भी लिखा हुआ है, इवन डिग्री सी का भी है और कंबाइंड वाला भी है कि डिग्री एफ और डिग्री सी, आपको दोनों प्रिंट करना तो दोनों ही आप देख सकते हैं, लेकिन मैंने डिग्री एफ पे ही रखा इसीलिए। तो यप, तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा। टिल देन, गुड बाय।